हेलो फहाद। हाय अब्दुल्ला, क्या हाल है ठीक ठाक यार? तुमने वो फाइल ईमेल कर दी कल जो करनी थी? यार? कर दे तुम, अभी ज़रा वेट करो, मैं एक एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ। यार तुम अमेरिका जाने के लिए सीरियस हो? हाँ यार, मतलब अगर देखो, अगर न्यूयॉर्क में कोई जॉब मिल जाए ना तो मुझे लगता है ज़िंदगी बन जाएगी ऑनेस्टली। यार फहाद मुझे नहीं समझ आता ये आजकल हर किसी को बाहर जाने का क्या ऑब्सेशन है। यार देखो, लॉजिकली सोचो, यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलते, बिजली नहीं आती, गैस नहीं है, पानी नहीं आता, घर वालों के खर्चे हैं। बात यह कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरा ये कि मैंने पाकिस्तान को बचाने का ठेका नहीं ले रखा। यार फहद देखो, ये सब इस मुल्क में बैठ के कहना बहुत आसान है, बाहर जाओगे तो पछताओगे अपने फैसले, अपनी कौम, अपनी ज़बान, अपने कल्चर को बहुत मिस करोगे। इस सब की कीमत तब पता चलती है जब बंदा बाहर जाता है और उसके साथ बहुत बुरा होता है। खैर तुम्हारी मर्जी। यस, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था न्यूयॉर्क, वॉल स्ट्रीट में जॉब की एक्सेप्टेंस आ गई है, अब जाएंगे US। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? नहीं अल्लाह का शुक्र, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। नाश्ता? हाँ नाश्ता कर लिया, आई विल बी हैविंग टैकोस। यस दे आर रियली टेकिंग गुड केयर ऑफ मी, आपके बेटे का सारे बहुत ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे। अम्मी गोरे इतने प्रोफेशनल्स हैं ना, लाइक क्या वर्क एथिक्स है उन लोगों के, क्या एनवायरमेंट है। और ऑन कॉन्ट्रेरी, हम जब मुझे याद है पाकिस्तान में मैं होता था, ये पाकिस्तानी सुस्ती के मारे हुए, ना कोई काम करना, ना कोई कार, टिपिकल ऑफिस पॉलिटिक्स, गटर पॉलिटिक्स, ना कोई ग्रोथ है, ना कुछ है। खैर आई एम हैविंग गुड टाइम, बहुत बेहतर हालात है यहाँ पे, आई एम रियली एंजॉयिंग द वर्क एनवायरनमेंट। ओके आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। Hi Eva, how are you? Hi Mr. Fahad Malik. I endeavour that you're having a good day. Yeah, sure. I need to talk to you for a bit. Yes, sure. Unfortunately, we regret to inform you that the company's going through some budgeting issues and challenging times. And I'm sad to say that we may have to lay off a few internationals. What? So sorry, you've just got here as well. इस सब की कीमत तब पता चलती है जब बंदा बाहर जाता है और उसके साथ बहुत बुरा होता है। अरे यार फहद कैसे हो? क्या हाल है यार, ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम कैसे हो? क्या हुआ भाई, कुछ खैरियत है ना? बस यार वो ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच उन्होंने डाउनसाइजिंग की, और सबसे पहले यू नो बाहर वालों को फायर किया जो अमेरिका से बाहर के थे। अब खैर आई केम हियर टू सी द बॉस, देखो आई एम लुकिंग फॉर जॉब। अब किसी बॉस को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई अब बॉस है यार। वाओ व्हाट अ सरप्राइज, कांग्रेचुलेशंस यार। यार मुझे तो पहले से ही पता था कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ ये करना है, पाकिस्तान ही है जो अपने लोगों को देखता है और उनकी मदद करता है, तो मैं तो कहता हूँ वापस आ जा यार। Really like is there a job for me? I mean can I join you guys again? हाँ वाकई यार, अगर एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के काम नहीं आएगा और कौन आएगा? ये मुल्क जो है इसने हमें बनाया है, अब हमारी बारी है कि हम दूसरों की मदद करके इसको मज़ीद तरक्की याफ्ता करें। चलो तुम फिर ज्वाइनिंग दो, इंशाल्लाह होती रहेगी मुलाकात, अभी मुझे थोड़ा काम है तो फिर मुलाकात होती है। सी यू। ओके थैंक यू।
अपना मुल्क अपना मुल्क ही होता है और जो इज्जत अपने मुल्क में मिलती है वो कहीं और नहीं। आज करण की भी दूसरी सालगिरह है और हम सब आपसे कहना चाहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि अब करण।